नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। को बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, लोगों को रोड पर निकलने से मना की जाती है, लोग जो अगर रोड पर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन उन्हें रोकता है, उन्हें सजा भी दी जाती है। सरकार की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके बाद से ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुँच रही हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर जहाँ सरकार तरह तरह की दावे कर रही है, वहीं इसकी सच्चाई कुछ अलग है। हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों की, अस्पतालों की, जहां पर कोरोना का इलाज चलता है, कोरोना पीड़ितों को वहां पर रखा जाता है या फिर जिनके अंदर संक्रमण की संभावना दिखती है उन्हें वहां पर आइसोलेट किया जाता है। ऐसे में उन स्वास्थ्य कर्मियों का क्या हाल होता है जो लोग उनके नज़दीक रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सुनिए, यह एक खास वीडियो है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक नर्स जो कि NMCH की हैं, वो बता रही अपनी पूरी दास्तान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना बिहार से स्टाफ नर्स जूली बोल रही हूँ। मेरी ड्यूटी ICU में है और हमारे यहाँ 2 कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट भी एडमिट हैं। हम ड्यूटी में हैं लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह का भी कोरोना प्रोटेक्शन किट अवेलेबल नहीं है और जो भी किट है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उससे हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। मैं आपको किट दिखा रही हूँ। ये है हमारा किट जो हमें मिला है। इसकी क्वालिटी जैसी है वो हमें कोरोना से कहीं किसी एंगल से नहीं बचा सकता। अभी पूरे भारत में लॉकडाउन है और हमें एक दूसरे को बचाते हुए काम करना है और इस स्थिति में हमें जो किट अवेलेबल हुआ है वो क्वालिटी आपने खुद देखा, इसलिए मेरा मोदी जी से नम्र निवेदन है और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से भी मेरा नम्र निवेदन है कि हमें अच्छे और कोरोना प्रोटेक्शन किट अवेलेबल कराया जाए, अन्यथा आप बताएं कि हम लोग कैसे ड्यूटी करें, अपनी जान गंवा दें खुद जानते हुए कि हम मरने वाले हैं। इसीलिए प्लीज 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 मेरे इस रिक्वेस्ट को आप लोग सुने। फिर ताली बजाने से हम लोग का मनोबल नहीं बढ़ेगा। ताली बजाने से मनोबल बढ़ता तो हम लोग पेशेंट को छू के अच्छे से केयर करते हैं। यहाँ ताली भी बजाना है, मनोबल भी बढ़ाना है और हमें बचाना भी है। माननीय जी, माननीय मोदी जी, आपने जो भी फंड दिया उस फंड के तहत अगर सामान आ रहा है तो वो सामान कहाँ है, हमें कुछ अवेलेबल नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है जिसे छोड़ के हम लोग अपनी ड्यूटी में हैं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा ड्यूटी है, हम ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिससे हमें सुविधा हो काम करने में। सो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर करें। ये आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि ये वीडियो जल्द से जल्द हमारे माननीय मोदी जी तक, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचे और इसका कोई सॉल्यूशन निकले। सो प्लीज प्लीज शेयर इट।
आपने सुना किस तरीके से जो पीपीई की बात सरकार की तरफ से की जा रही है उसमें कितनी कमी है, और जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम बातें ये नर्स ने कही हैं। ये जो वीडियो है वह काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ऐसे में सरकार से यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर उनके दावे जो हैं वह जमीनी स्तर तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी है जो अपनी जान पर खेल कर लगातार कोरोना पीड़ितों और कोरोना को लेकर जो जंग में मैदान में हैं उनके जान की रक्षा कैसे होगी, तमाम सवाल उठते हैं और ये सवाल हेडलाइंस बिहार जरूर उठा रहा है। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।